हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। आओ शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। सस्य विज्ञान का पिता माना जाता है तो पीटर जी डी कसंजी को माना जाता है। रिले क्रॉपिंग के लिए संतुलित फसल चक्र है तो ये है मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150% फसल चक्र की सस्य सघनता है, इसका भी बात सही होगा, मक्का, आलू, गन्ना। 200% फसल चक्र की फसल सघनता है मक्का, गेहूं, चरी, बात सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाना कहलाता है तो ये कहलाता है बहुफसली फसलें। दो मुख्य फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है तो ये कहलाती है अंतर्वर्ती फसल, कैच क्रॉप। किस वर्ष कीट एवं पेस्ट नष्टीकरण एक्ट पारित हुआ तो ये हुआ था 1971 में। गेहूं का वनस्पतिक नाम है टिटकम एस्टिवम। टिटकम एस्टिबम में गुणसूत्र संख्या है तो होती है 42, 2n = 42। टिटकम ड्यूरम में गुणसूत्र संख्या होती है तो इसमें होती है 2n = 14। देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर होती है तो होती है 125 kg प्रति हेक्टेयर। बौनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन की दर होती है तो 120 kg प्रति हेक्टेयर होती है। गेहूं में बीज लिप्त बीमारियां के नियंत्रण के लिए रसायन प्रयुक्त किया जाता है तो बाविस्टीन प्रयोग की जाती है। गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम है तो होता है 20 °C से 22 °C। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम अवस्था है ताजमूल या शिखर जड़ बनने की अवस्था। उन्नत हलना फसल की जात है तो यह है गेहूं की। पूसा गोल्ड WR 544 फसल की प्रजाति है, ये भी गेहूं की प्रजाति की फसल है। ट्रिटिकल किसके संकरण से पैदा की गई है, गेहूं एवं राई के संकरण से टिटकेल नस्ल किस्म पैदा की गई है। फेरिस माइनर किस फसल में उगता है तो ये गेहूं में उगता है। गेहूं सा खरपतवार फेरस माइनर का नियंत्रण किया जाता है तो आइसोप्यूट्रान से किया जाता है। गेहूं में करनाल बंट होता है
ये होता है फफूंदी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंदी द्वारा। गेहूं सा रोग ईयर को किल बीमारी होती है, तो ये होती है निमिटोड द्वारा। इसका सही आंसर होगा निमिटोड। गेहूं की कंबाइन कटाई के बाद टूटे तने का क्या करना चाहिए? जमीन में पलट देना चाहिए, जिससे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। चूहा नियंत्रण हेतु दवा प्रयोग की जाती है, तो की जाती है जिंक फास्फाइड। गेहूं की असिंचित अवस्था में बोई जाने वाली जात है, तो C306। गेहूं की प्रजाति है जो असिंचित क्षेत्र में बोई जाती है। एल्युमिनियम फास्फाइड का व्यापारिक नाम है, तो सल्फास। टिटिकम एस्टिबम पादप है, तो है एक खष्ट गुणित हेक्सापोलिड। सामान्य वृद्धि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है, तो होती है 21 से 25 दिन। संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर। खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है तो लगती है धान में खैरा बीमारी लगती है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्यों व फसलों के जोड़े प्रयुक्त हैं, गलत जोड़ा इंकित करिए। चावल बिहार, ये गलत है। पूसा 1121 किस फसल की जात है, तो ये धान की है। डेपोक विधि किस फसल से संबंधित है, तो ये धान से संबंधित है। धान की पौध डेपोक विधि द्वारा तैयार की जाती है। धान में खरपतवार नियंत्रण हेतु चमेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन पश्चात करना चाहिए? 3 से 4 दिन बाद करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, धान में गंधी बग कीट आक्रमण करता है दुधिया अवस्था पर। बेबी लोव के अनुसार धान का उद्गम स्थान है, तो भारत का वर्मा क्षेत्र। स्टेम F34 खरपतवार नाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं धान की फसल में। धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान की रोपाई के कितने दिन पूर्व करनी चाहिए? 6 से 7 दिन पहले कर देने चाहिए। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, तो होती है 66%। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक की जाती है, वहीं पर इसका उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल प्रतिशत होता है, तो 20% तेल पाया जाता है।
सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत मात्रा है तो 40-42% प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किरण पीबीसी 9221 किस फसल की जात है, तो राई या लाहा की प्रजाति है। भारतीय सरसों की जात है वरुणा, वरुणा जो है वो भारतीय सरसों की जात है। सरसों की फसल में माहू चैंपा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो मेटासिस्टैक्स से। पीली सरसों में औसतन तेल की प्रतिशत मात्रा होती है 40%। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।